राइट पॉइंट के मुअज्जज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। 20 साल से नरेंद्र मोदी को राखी बांधने वाली पाकिस्तानी बहन कौन है? वो नाम जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दुनिया भर के तरह भारत में रक्षाबंधन मनाया गया और हस्बे मामूल भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुंह बोली पाकिस्तानी नजाद बहन कमर मोहसिन शेख ने इनकी कलाई में राखी बांधी। पाकिस्तान में एक जानब जहाँ भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तनकीद मामूल की बात है, वही एक पाकिस्तानी नजाद खतून ऐसी भी है जो पिछले 20 सालों से इनकी कलाई पर राखी बांधती आई हैं। इनका नाम कमर मोहसिन शेख है। रक्षाबंधन हिंदू मत का ऐसा त्योहार है जिसमें हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र, खुशहाली और खुशियों की दुआ करती है। वो बतौर इजहार मोहब्बत भाई की कलाई पर धागा भी बांधती है जिसे राखी कहा जाता है। इस मौका पर बहन भाई की आरती उतारती और इसके माथे पर टीका भी लगाती है जो आमे भाई बहन को तोहफा देता है, जो नकदी की शक्ल में भी हो सकता है। दुनिया भर की तरह भारत में भी रक्षाबंधन मनाया गया और हस्बे मामूल भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुंह बोली पाकिस्तानी नजाद बहन कमर मोहसिन शेख ने इनकी कलाई में राखी बांधी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कमर पिछले 20 साल से भी ज्यादा अरसे से नरेंद्र मोदी को राखी बांधती आई हैं और नरेंद्र मोदी के वजीर आजम बनने के बाद भी इन्होंने ये रवायत बरकरार रखी हुई है। कमर मोहसिन शेख का कहना है कि मैं पिछले 22-23 साल से मोदी भाई को राखी बांधती आ रही हूँ। इस बार भी मोदी भाई को राखी बांधकर इतनी ही खुशी हुई जितनी हमेशा होती है। वजीर आजम मोदी को फोन किया तो 2 दिन बाद इनका फोन आ गया। मुझे लगा शायद भाई मसरूफ शेड्यूल की वजह से वो वक्त ना निकाल सके, लेकिन फिर मोदी भाई की कॉल आई और मैंने खुशी खुशी रक्षा बंधन की तैयारी शुरू कर दी। पुरानी यादें ताजा करते हुए कमर मोहसिन ने कहा, जब पहली मर्तबा मोदी भाई को राखी बांध तो वो RSS के वर्कर थे और अपनी अंतक मेहनत वयन की वजह से आज वो इस मकाम पर पहुंचे हैं। कमर खुद भी RSS की रुकन है। वो शादी के बाद पाकिस्तान से रुखसत होकर भारत आई थी और तब से भारत में ही मकीम है। हिंदू रवायात के मुताबिक रक्षाबंधन हिंदू मत के महीने सावन में मनाया जाता है, जिसमें खसूसी तौर पर तैयार किया गया धागा बहनें भाइयों की कलाई पर बांधती हैं। भाई अपनी बहनों को तहफ्फुज़ देने और इनका ख्याल रखने के अज़्म को दोहराते हैं। इस मौका पर रंग बिरंगी राखियों की कीमत बढ़ जाती है और खसूसी पूजा का एहतमाम भी किया जाता है। अल्लाह निगहबान।